हेलो माय डियर कैप्रिकॉन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो आपका नेक्स्ट मंथ है दिसंबर, इस दिसंबर में मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस मिलेंगे, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक एरियाज में जाकर देखेंगे। मतलब आपके दिसंबर मंथ की यहाँ पर संपूर्ण भविष्यवाणी और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है जो होकर रहेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले अलाइन होना है, फैमिली मेंबर बन जाना है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, और इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी रीडिंग बहुत ही आराम से बुक कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग, और इस रीडिंग को भी सभी लोग देखेंगे। जोडिक साइन आपका कैप्रिकॉर्न होना चाहिए। और राइट, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग एनर्जी आई है आपकी, ठीक है। और राइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ लवर, ठीक है, लवर की एनर्जी। मतलब आप चाहते होंगे ना कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत प्यार करे, मुझे बहुत पैम्पर करे, ठीक है, मुझे समझने वाला हो। अभी तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो समझा हो, तो आप बहुत लकी हो क्योंकि इस दिसंबर के मंथ में आप अपने लवर से मिलने वाले हो जो आपको बेइंतहा प्यार कर सकते हैं, ठीक है। लवर मतलब ही क्या होता है, आपके लिए पागल हो जाना, हर वो चीज़ करना जो आप चाह रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि इस रिश्ते को यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं, मतलब जो एंजल ऑफ लव है उनके द्वारा, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट हुआ है आपके सोल के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, ठीक है, आप लोगों ने, मतलब हो सकता है जब आप सोल रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एंजल ऑफ लव्स के द्वारा, ठीक है, कि आपको एक सोलमेट ज़रूर मिलेंगे। और ये है आपका डिवाइन टाइम जिसमें आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि दिसंबर के मंथ में आप मिलोगे अपने सोलमेट से। ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले बात कि प्यार होगा, ठीक है, सोलमेट होंगे, पैम्पर करने वाले होंगे, एकदम परफेक्ट यूनियन होगा, ठीक है। वैसे आप पहले भी रहे होंगे रिलेशन में, लेकिन कभी भी आपको किसी के साथ परफेक्ट यूनियन फील नहीं हुआ होगा, जो परफेक्ट यूनियन इस इंसान के साथ आपको फील होने वाला है। बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्किन कलर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में ये चीज़ मैटर कभी करेगा ही नहीं। आप दोनों के बीच में जो मैटर करेगा वो होगा प्यार। और आप ही सिर्फ, यही सिर्फ आपके लवर नहीं है बल्कि आप भी इनके लवर होंगे, सोलमेट्स हो आप लोग एक दूसरे के। आपका अपना खुद का सोल है, इनका अपना खुद का सोल है, भरपूर प्यार होगा आप दोनों के बीच में। अब देखिए, ये रिश्ता एकदम कॉमन नहीं है, ये रिश्ता बहुत डीप और बहुत गहरा है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, इस पर्सन के लिए आप इतने पागल हो जाओगे, ये पर्सन आपके लिए इतने पागल हो जाएंगे कि ये अपना सारा काम धाम आपके साथ शुरू कर देंगे। पार्टनरशिप हो गया हो, रिलेशनशिप तो रहेगा ही रहेगा, या लाइफ का कोई बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन हो गया हो, कोई ड्रीम देखना हो गया हो, या मेजर चॉइसेस लेने हो गए हो, रोमांस करना तक हो गया हो, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ आपके साथ जोड़ लेंगे, अपने डिज़ायर तक आपके साथ जोड़ लेंगे। आपके जो डिज़ायर होंगे वो इनके डिज़ायर बनेंगे और उस डिज़ायर को पूरा करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है आपके लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करना। तो ये इंसान आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यूज़ ऐड करने वाले हैं, इनकी जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो आपसे शेयर करेंगे, अपनी सारी चीज़ें, अपना नेम, फेम, इज्जत, हर एक चीज़, सब कुछ आपका अपना बना देंगे, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दिया वो है सेक्सुअल कनेक्शन, फिजिकल होना, लव मेकिंग होना, वो चीज़ आपका इस पर्सन के साथ मुझे 1000% होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग लव होगा, इतना ग्रेट लव होगा ना, कि इसको तोड़ने वाले या जलने वाले भी आ सकते हैं। और ये जलने वाले कौन होंगे, आपके दोस्त या फैमिली में भी हो सकते हैं, जिसको ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, तुम इससे कैसे प्यार कर सकती हो। पर प्यार तो प्यार होता है ना, कैसे समझाओगे फैमिली को, ठीक है। लेकिन यही जो डिफ़िकल्ट पाथ आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा वो आपको ट्रू लव दिलाएगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट पाथ, इट विल लीड यू ऑन टू ग्रेटर थिंग्स। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग रहेगी, हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, आप दोनों रेडी रहोगे एक दूसरे से प्यार करने के लिए, बैलेंस बना के रखोगे, शादी करने तक के लिए रेडी होगे,
तो इंटेंस अट्रैक्शन, सेक्सुअल पैशन, रोमांस, डीप कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको सब कुछ देगा। पार्टनर अगर है आपके ऑलरेडी, ठीक है, और बाउंड है, वीक होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगेस्ट होता है, बाउंड तो होता ही है, जैसे मम्मी पापा के बीच में बाउंडिंग हो गया, आपका आपके पार्टनर के साथ बाउंडिंग हो गया, तो बाउंडिंग जो आपका आपके पार्टनर के साथ है, करेंट पर्सन के साथ, वो स्ट्रांग हो रहा है। मैं ये नहीं बोल सकती कि वो सोलमेट है, सोलमेट न्यू लोगों के लिए आ रहे हैं, न्यू सोलमेट बन के आ रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो अभी करेंट पर्सन है उनके साथ आप खुश है, नॉर्मल रिलेशन है, तो उनके साथ जो बाउंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, गहरा हो रहा है, जैसा आप इमेजिन किए हो, ठीक है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसा आप इमेजिन करेंगे ना वैसा आप लव लाइफ पा सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है, इस बात को आप फील कीजिए, जानिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप बहुत लकी हो कि आप ऐसे इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको स्पिरिचुअली हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, लकी यू, ऐसा यहाँ पे कहा जा सकता है। और देखिए, इस कार्ड के थ्रू अगर पैसे की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रहे हैं, मतलब यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड फॉर्च्यून। इस महीने आप बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कलीग्स के साथ वर्क कर सकते हैं, कोई कलीग के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ आपका प्यार बढ़ सकता है, रोमांस हो सकता है उनके साथ, ठीक है, बिजनेस हो रहा है, अपने काम हो रहे हैं, और आप दोनों का टाइम भी साथ में स्पेंड कर ले रहे हो, अच्छे खासे टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको क्या बता रहा है, मतलब आप कैसे इंसान बनने वाले हैं, ये बता रहा है कि आप एक वेल बींग को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और हाई सोशल स्टेटस हो सकता है आपका इस महीने, ये साल जो है आपको एक हाई सोशल स्टेटस पर्सन बनाकर जाएगा, एक हाई सोशल स्टेटस देकर जाएगा, मैच्योर पर्सन बनाएगा, बहुत ग्राउंडेड हो रहे हो, बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, लग्जरी एंड वेल्थ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अपना घर से भी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो बिजनेस भी आपका बहुत आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नॉनसेंस चीज़ों में बिलीव नहीं रखना है, नॉनसेंस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मदर बनने का चांस मिल सकता है, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो मे बी प्रेगनेंसी भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक निगेटिव चीज़ों से, नॉनसेंस चीज़ों से निकल कर, या नॉनसेंस लोगों से निकल कर, ठीक है, आप एक अच्छे ग्रुप में जा रहे हैं, सक्सेसफुल लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट, चार्मिंग या ऑर्गेनाइज पर्सन आप हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको जो आपका पार्टनर मिलेगा वो इंसान का खुद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़ोडियक साइन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सेलेक्टिव भी होने वाले हैं, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, अच्छे से काम करोगे, मन से पूरा काम करोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोई ऐसा इंसान आ रहा है प्यार करने वाला, एनर्जी भर दे रहा है आपके अंदर, ठीक है, तो जैसे एकदम झूमते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए, मतलब आपको हो सकता है गाना भी पसंद ना हो, डांस करना भी पसंद ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने आप सब करोगे, वो सारी चीज़ें करोगे जो आपने छोड़ दी है, ठीक है, आपने खो दी है, अपनी हॉबीज़, अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ केयर करना, ये सारी चीज़ें अब वापस से आपकी लाइफ में रिस्टोर हो रही है, ठीक है, रीएनर्जाइज हो रही है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर वर्क करना, आप सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक म्यूजिशियन हैं, पहले आप बहुत सारा अच्छा अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा आपका हॉबी था जो अब नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब कर रहे हो, और कुछ नया स्किल भी सीख सकते हैं दिसंबर के महीने में, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, ओके, दिस वन। और अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं तो वो ख़त्म हो रही हैं, माँ दुर्गा के द्वारा आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल रहा है उनके थ्रू, तो माँ दुर्गा को थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिए, और गुड फॉर्च्यून आप अपने लाइफ में, ठीक है, मतलब अच्छा किस्मत, गुड लक को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये गुड लक आपके लाइफ में पैसा, वेल्थ, अबंडेंस को लेकर आ रहा है। सिर्फ पैसा रहने से नहीं होता, पॉजिटिव वाइब भी होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी भी होनी चाहिए, और शाइन भी करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हो, आप जिस जिस तक पहुंचेंगे, जिस जिस तक बात करेंगे,
वो सारे लोग आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। और इसी दौरान आप अपने सोलमेट से भी टकरा जाओगे, वो भी मिल जाएंगे, आपके ऑरा से मैच कर जाएंगे और आपकी ऑरा बहुत शाइन कर रही है, एकदम खुश मिजाज रहने वाले हो। ठीक है, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। ओके, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जल्दी से बुकिंग कीजिए। और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, तो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग और अपने फैमिली का भी।